Good morning students. Today's topic of discussion is alphabetical order. Alphabetical order, जैसे आप alphabets जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है A, B, C, D, up to Z. A to Z, ये क्या है? Alphabets होते हैं. तो alphabets आप जानते हैं, A to Z हम लोग लेते हैं. तो इसका जो sequence होता है, A के बाद क्या आएगा? B आएगा. B के बाद क्या आएगा? C आएगा. C के बाद क्या आएगा? D आएगा. तो हम लोग जैसे लिखते हैं अल्फाबेट्स को ए बी सी डी ई एफ इस तरह से पूरे जेड तक ये सीक्वेंस जो होता है ये आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहलाता है. ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा. इस तरह से आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने कहा दो वर्ड्स लिखे बैग और एलिफेंट. अब अगर हमने कहा कि इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दोनों वर्ड्स को लिखिए, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने का मतलब ये हुआ कि जैसे दो वर्ड हैं, तो बी से ये स्टार्ट हो रहा है वर्ड, ई से ये स्टार्ट हो रहा है. दोनों किस किस वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं? ए बी से स्टार्ट हो रहा है, ए ई से स्टार्ट हो रहा है. तो B पहले आता है या E पहले आता है? E से पहले B आता है. इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप लोग लिखेंगे तो पहले बैट लिखेंगे फिर एलिफेंट लिखेंगे. जैसे डिक्शनरी में हम लोग देखते हैं डिक्शनरी में क्या होता है, पहले A अल्फाबेट के सारे वर्ड्स होते हैं, फिर B अल्फाबेट के सारे वर्ड्स होते हैं, फिर C अल्फाबेट के सारे वर्ड्स होते हैं. तो डिक्शनरी क्या होती है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है. तो अब जैसे अब किसी में एक वर्ड और अगर हम जोड़ दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉय, यहां पर हमने किसी में जो है लिख दिया फिश. तो अब ये चार वर्ड हो गए. अब चार वर्ड को अगर हमने कहा आप सीक्वेंस में लगा लिए, तो अब सीक्वेंस में क्या है कि हमें पता है कि बी बी एफ ई को अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन आएगा? बी आएगा. तो अब बी के मतलब ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है. अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर पहला अल्फाबेट सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग यहां पर दूसरे अल्फाबेट को देखते हैं कि ओ से पहले ए आएगा या ए से पहले ओ आएगा. क्योंकि ओ से पहले ए आ रहा है इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आएगा. इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, बैट पहले लिखेंगे फिर उसके बाद बॉय लिखेंगे. अब इन दोनों को देखें, ई पहले आता है कि एफ पहले आता है? तो पहले ई आएगा या एफ आएगा? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम देखते क्या है, ई आएगा पहले, बाद में एफ आएगा. तो ई से पहले एलिफेंट को लिखेंगे, एलिफेंट पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद हम फिश कर देंगे. तो अब ये क्या हो गया, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो गया. बी बी और बी में पहले ए आ रहा है फिर बाद में ओ आ, यहां पर ओ आ रहा है तो इसके मतलब इससे पहले अल्फाबेटिकल बी आएगा फिर इसके बाद ई आएगा उसके बाद ई आएगा फिर इसके बाद एफ आएगा. तो ये क्या हो गया, ये वर्ड्स हो गए अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने को अगर वर्ड आ रहा है तो आपको इसी तरह से देखना होता है. पहले जो भी वर्ड का पहला अल्फाबेट होता है उस अल्फाबेट को देखिए कि सीक्वेंस वाइज ए टू जेड कौन पहले आएगा और कौन बाद में. अब इसी तरह से आपको इसमें दिया जा सकता है. अब जैसे आपके वर्ड्स दे दिए और इसको कहा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए. जैसे फॉर एग्जांपल आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने कहा किसको लिखिए, डॉग, पेंसिल, रबर, काइट. अब जैसे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको देखना है इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, इन पहले वर्ड्स को देखिए. अल्फाबेट्स में पहले डी आएगा कि पी आएगा कि आर आएगा कि के आएगा? तो हमें पहले क्लियर है कि पहले क्या आएगा, डी आएगा, डी सबसे पहले आएगा. तो इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, डॉग. फिर जैसे अब पी आर के में पहले कौन आएगा, तो डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के पहले आ गया, के पहले आ गया, इस मतलब हम के काइट लिखेंगे. के बाद एल एम एन ओ
पी पी पहले आ गया, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां पे पेंसिल। पेंसिल के बाद अब पी के बाद क्योंकि आ रहा है इसलिए लास्ट में क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा रबर। तो अब यहां पर क्या है कि हम लोग इस तरह से सीक्वेंस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम किसी भी को लगा सकते हैं। मान लीजिए हमें दे दिया जाए, सपोज कर लीजिए कि कुछ एनिमल्स के नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल एंड इंसेक्ट हो गया, ज़ेब्रा, काउ, फिश। अब आपसे कहा जाए इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये भी कहा जा सकता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम लगाए तो फर्स्ट वर्ड कौन सा होगा, लास्ट वर्ड कौन सा होगा। मान लीजिए हमने इसको लगाया, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, तो इसमें से कह दिया गया कि फर्स्ट वर्ड कौन सा होगा और लास्ट वर्ड कौन सा होगा। तो इसको हमने पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया और देखा फर्स्ट वर्ड ये है, लास्ट ये है। इसका मतलब आपको अगर ये दिया जाएगा और कहा जाएगा फर्स्ट वर्ड पे टिक करिए और लास्ट वर्ड पे, तो फर्स्ट वर्ड पे आपको क्या करना है, टिक, और लास्ट वर्ड जो रहेगा उस पर आपको, जैसे मान लीजिए आपका सर्कल बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन ये तो फर्स्ट वर्ड आप देख रहे हैं कौन सा आ रहा है, बैट आ रहा है, इसलिए फर्स्ट वर्ड पे हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। लास्ट वर्ड इसमें से कौन सा आ रहा है जो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा, फिश, तो हम फिश को क्या कर देंगे, सर्कल बना देंगे। ये आपका जो है एक्सरसाइज हो सकती है, जैसे मान लीजिए हमने इसको दिया, ये भी एक क्वेश्चन है, हमने कहा फर्स्ट वर्ड पर क्या करना है आपको, टिक करना है, और लास्ट वर्ड जो आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने पे उसको सबमिट करना है। कैसे करेंगे, डी पी आर ए है, अब जैसे आपने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये आंसर है, पहले कौन आया, डॉग आया, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया, क्योंकि फर्स्ट वर्ड पे क्या करना है, टिक करना है, लास्ट वर्ड पे क्या करना है, ऑक्स। तो अब देखिए इसमें से लास्ट वर्ड कौन सा होगा जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, रबर, इसलिए हम क्या करेंगे इसको। सेम इसी तरह से अगर इसमें कहा जाए फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड आपको निकालना है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो क्वेश्चन ये है बिना इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखे हुए हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे के जेड सी एफ, अगर आप देखें तो ए जेड सी एफ में कौन सबसे पहले आएगा, एंड, तो इसलिए एंड क्योंकि सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले अगर एंड आ रहा है तो हम लोगों को इसको टिक करना था, सॉरी हमने सर्कल कर दिया, तो ये आपके लास्ट वर्ड में सर्कल करना है, तो हमें एंड क्या है, फर्स्ट वर्ड, तो फर्स्ट वर्ड जो आएगा वो एंड आएगा। लास्ट वर्ड जो होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जेड, दैट इज ज़ेब्रा। तो एंड पहला वर्ड होगा क्योंकि अगर हम इसको सीक्वेंस में लगाते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एंड पहले आता, फिर काउ आता, फिर फिश आता और फिर ज़ेब्रा आता, ये आंसर होगा। तो पहला वर्ड ये है, लास्ट वर्ड ये है, तो पहले वर्ड पे हमने क्या किया, टिक कर दिया, और लास्ट वर्ड पे क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। तो ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स हम लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना होता है। तो आपका सिर्फ इतना ही काम है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को पहचानना, कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे आप निकाल पाएंगे और किस तरह से इसको जो है आपके एक तरह से टिक किया सर्कल करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वर्ड कौन सा होगा, ये क्या है, ये सब की प्रैक्टिस है। आपने ढेर सारे वर्ड्स पढ़े हुए हैं, अभी ढेर सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस आपको नहीं कर रहे, क्योंकि आपको एक शीट दी गई है और ये शीट जो आपको दी गई है उसको डाउनलोड करिए और उसको जो है आप एक्सरसाइज के फॉर्म में कर लेंगे। बाकी इस लेक्चर को आप ईयरफोन और हेडफोन लगा के अगर सुनेंगे तो आपके ज्यादा क्लियर वॉइस होगी और आसानी से आपको सारी चीज समझ में आएगी। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे, आपके लिए ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ये लेसन है जिसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, कई बार वीडियोस देखिएगा, जिससे कि आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाए। थैंक यू।